हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। दुनिया काफी अलग है और इस दुनिया में काफी अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं और इन्हीं में से एक देश है जापान। और जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं इस देश की खासियत भी बाकी देशों से अलग है। आइए हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो सिर्फ जापान में ही होती हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको दुनिया का कौन सा देश अच्छा लगता है। नियम कायदों को लेके जापान काफी सख्त देश के रूप में जाना जाता है। ट्रैफिक उल्लंघन के लिए लगभग हर देश में नियम बने हुए हैं, लेकिन जापान में अगर आप साइकिल भी गलत तरीके से पार्क करते हैं तो आपका चालान हो सकता है। टॉयलेट सीट पर भी हम बैठते हैं तो वो भी थोड़ी ठंडी रहती है। सर्दियों में तो इन ठंडी टॉयलेट सीट पर बैठने में भी 100 बार सोचना पड़ता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में टॉयलेट सीट इस तरीके से बनाई जाती है कि उन्हें हर वक्त गर्म रखा जा सके। स्कूल कॉलेजों में साफ सफाई के लिए कर्मचारी दिख जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में सफाई वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ही करनी पड़ती है और ये काम स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है। जापान के ज्यादातर स्टोर्स में दुकानदार नहीं होते हैं। यहाँ पर लॉक वेल्डिंग मशीन के जरिए सामान लेकर पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टोर्स में दुकानदार होते हैं वो नोटों को हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो नोटों को किन किन लोगों ने किस किस हाथों से छुआ होगा। ऐसे में लोग सामान लेने के बाद नोटों को सीधे मशीन में डाल देते हैं। इंसान कभी न कभी तो रोड क्रॉस करता ही है। जापान में हर स्पीड में पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग अलग लेन बनी हुई है, धीरे चलने वालों के लिए अलग लेन तो तेज चलने वालों के लिए अलग लेन बनी हुई है। जापान की ये चीज अपने आप में ही अनोखी है, क्योंकि किसी दूसरे देश में शायद ये संभव ना हो। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको आसानी से सिर्फ पैसे देकर ही नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि चालान काट के अच्छे से धुनाई भी की जा सकती है। अच्छी यात्रा के लिए जरूरी है कि आप ट्रेन में अपनी सीट रिजर्व करा लें। हालांकि लोकल ट्रेनों में सीट रिजर्व नहीं होती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान के यहाँ की लोकल ट्रेनों में भी सीट रिजर्व होती है। जापान को ट्रेन बस या मेट्रो के जरिए चैटिंग करना मना है। अगर जापान की ट्रेन बस या मेट्रो में फोन के जरिए चैटिंग करते हुए देखे गए तो लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हर देश की अपनी अपनी अलग भाषा होती है। जापान में जापानी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जापानी भाषा की एक खास बात है कि इसे दाएं और बाएं दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।